हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक, ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम चर्चा करेंगे जीनोम के संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक है जीनोम। जीनोम शब्द से आप प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में बताया हुआ था। आज हम बात करेंगे कि जीनोम होता क्या है और मानव जीवन के लिए, मानव के ऊपर जो परियोजनाएं बनी हुई है, मानव जीनोम परियोजना, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दूंगा मैं आपसे। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यह जो जीनोम परियोजना है, असल में होती क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक है जीनोम। परीक्षा में क्वेश्चन आता है जीनोम किसे कहते हैं, तो जीनोम किसी भी जीव में गुणसूत्रों का एक सेट या दो सेट का पाया जाना ही जीनोम कहलाता है। तो बोलता है किसी भी कोशिका में स्थित गुणसूत्रों का सेट ही क्या कहलाता है। अब वह सेट एक भी हो सकता है, दो सेट भी हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं जीनोम। और गुणसूत्रों के आधार पर जितने सेट हैं, तो हमने एक संकरणी क्लास पढ़ा, बहुसंकरणी क्लास पढ़ा, द्विसंकरणी क्लास पढ़ा, तो क्या होता है, जनक के द्वारा पेरेंट्स में अगली पीढ़ी में क्या जाते हैं, फैक्टर कारक जो जाते हैं, गुणसूत्रों का जो सेट जाता है जिसके आधार पर लक्षण का क्रियान्वयन होता है। तो गुणसूत्रों के सेट के आधार पर हम जंतुओं और वनस्पतियों को अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। तो कई जगह जो गुणसूत्र होते हैं वह डिप्लॉयड अवस्था में भी होते हैं, कई जगह पॉलीप्लॉयड अवस्था में भी पाए जाते हैं, कहीं पर हैप्लॉयड भी होते हैं, अर्थात आगुणित हैप्लॉयड, डिप्लॉयड द्विगुणित और पॉलीप्लॉयड अर्थात बहुगुणिता में इसको हम अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। तो किसी भी जीव में, कोई भी जीवधारी है, उसमें गुणसूत्रों का एक आगुणित सेट, हैप्लॉयड सेट को, सेट को ही हम जीनोम कहते हैं। और कोई भी विकसित जीव, जैसे हम क्या हैं, कैसे जीव हैं, विकसित जीव हैं, तो विकसित जीव में जीनोम युग्मकों में पाए जाने वाली गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। बहुविकसित जीवों में जीनोम युग्मकों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। जैसे मानव के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात स्पर्म या शुक्राणु में कितने होंगे, 23 गुणसूत्र का सेट पाया जाएगा। वहीं अंडाणुओं में भी 23 गुणसूत्रों का सेट पाया जाएगा। इस आधार पर हम मान लेते हैं कि मानव का जीनोम का वैल्यू कितना होगा, 23 होता है। समान यूकैरियोटिक जीव में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो हिस्सों में हम जीवधारियों को बांटते हैं, तो जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यूकैरियोटिक्स में गुणसूत्रों का जो सेट होता है, दो जीनोमों में दो अलग अलग रूप होते हैं, अर्थात डिप्लॉयड। लेकिन बहुत से यूकैरियोटिक जैसे प्रोटिस्टा जगत, तंतु शैवाल फिलामेंट के रूप में, कवक जो होते हैं, उनमें कैसा पाया जाता है, आगुणित पाया जाता है, और यूकैरियोटिक्स में डिप्लॉयड। तो बोलता है इन जीवों में प्रत्येक जीन का एक ही विकल्प होता है, मतलब प्रत्येक जीन के लिए एक ही फैक्टर या एक ही कारक उपस्थित होता है। इसके जस्ट अपोजिट, इसका जो अपोजिट होगा, जब जैसे एक प्रभावी होता है और दूसरा कैसा होता है, अप्रभावी होता है, मान लीजिए विपरीत स्वभाव वाला विकल्प का अभाव उस जीन की समान अभिव्यक्ति को नहीं रोक सकता, चाहे वह प्रभावी लक्षण हो या आप, मतलब गुणसूत्रों का जो सेट है, जो फैक्टरों का जो सेट है, युग्मकों का जो सेट है, कारकों का जो सेट है, वह यदि विपरीत भी है, दोनों अलग अलग हैं, मतलब अगली पीढ़ी में जाकर के वो क्या कर रहे हैं, अपना अपना लक्षण व्यक्त करते ही हैं। कि आप चाहे वह प्रभावी लक्षण हो या अप्रभावी, ऐसा क्यों। तो बोलता है कि जो डिप्लॉयड अवस्था में होते हैं, जो जाइगोट या डिप्लॉयड अवस्था में यदि कारक जुड़े हुए हैं, तो उनके मिलने से जो जाइगोट का निर्माण होता है, तो उनमें जाइगोट की स्थिति में ही ऐसी स्थिति बनती है, जो फिर से जब डिप्लॉयड हैं, फिर जब उनमें लक्षण शो कर दिए, डिप्लॉयड में फिर से क्या पाया जाता है, अर्धसूत्र विभाजन पाया जाएगा। अर्धसूत्र विभाजन होगा तो फिर से वह क्या हो जाता है, हैप्लॉयड हो जाता है। जब वह अपना अपना लक्षण व्यक्त कर रहा है, अपना अपना प्रभावी लक्षण या अप्रभावी लक्षण, दो भी लक्षण व्यक्त करते हैं, ऐसी स्थिति में, यदि ऐसी स्थिति में एक संकर जब संकरण होता है तो 1:1, और द्विसंकरणी जब हम अनुपात, जब द्विसंकरणी हमने जीनोटाइप की बात की थी, तो क्या बात की थी कि दूसरी पीढ़ी में कैसे कैसी संतान पैदा हो रही है, 9:3:3:1। लेकिन जब विपरीत युग्म विकल्प उपस्थित हो जाता है, विपरीत विकल्प का अभाव जब हो जाता है, तो समान अभिव्यक्ति को नहीं रोक पाता है,
तो इस कंडीशन पर यह 9:3:3:1 के स्थान पर कैसा आ जाता है, 1:1:1:1 के अनुपात में संतान प्राप्त होने लगती है। जीनोम और इसके अंतर्गत उपस्थित जीनों के क्रम का अध्ययन करना, जीनोम या इसके अंतर्गत उपस्थित जीनों के क्रम का अध्ययन करना, जीनों में क्या उपस्थित है, जीन उपस्थित है, जीनों का क्रम कौन सा क्रम कि जीन में कौन से लक्षण, कौन सा जीन धारण किया हुआ है, कौन से खंड में कौन सा जीन पाया जाता है। जैसे भी हमने प्रीवियस क्लास में ऑपरान के हमने कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन किया था, तो हमने ये देखा था स्ट्रक्चरल जो जीन होता है वहाँ पर जो जीन्स होते हैं लैग ए लैग बी लैग जेड प्रकार का, वहाँ पर क्या पाया जाता था, जीन पाया जाता, मतलब जो ऑपरान का जो खंड है उन खंड में जो जीनों का जो क्रम है कि कौन सा ऑपरेटर जीन है, कौन सा प्रमोटर जीन्स है, कौन सा आपका नियंत्रण जीन्स है, तो इस आधार पर हम उसका अध्ययन किए हुए थे। तो बोलता है वही है, इसके अंतर्गत हम जीनों का क्या अध्ययन करते हैं, जीनों के क्रम का अध्ययन करते हैं। तो जीनों के क्रम का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। अब यूकैरियोटिक प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें जो जीनोम होता है दो प्रकार से कोडिंग होता है, एक होता है कोडिंग डीएनए, दूसरा होता है नॉन कोडिंग डीएनए। तो जो कोडिंग डीएनए होता है वह कोशिका के अंदर क्या काम करता है, तो कोडिंग डीएनए का काम होता है कि कोशिका के अंदर अनुलेखन और अनुवादन का काम या अनुलिपिकरण का काम करता है। वही नॉन कोडिंग डीएनए जो होता है वह जीनोम ऐसा है जो ज्यादातर भाग, जिसका ज्यादातर भाग नॉन कोडिंग डीएनए का मैसेंजर आरएनए तथा प्रोटीन का कोड यह नहीं करते हैं, अर्थात अनुलेखन में यह स्वयं को शामिल नहीं करते हैं। ऐसे डीएनए के हम खंड को कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए कहा जाता है और टोटल डीएनए का 97% भाग नॉन कोडिंग डीएनए का होता है। एक यहां पर मैं टॉपिक साथ में एक दूसरा टॉपिक साथ में जोड़ा हुआ है, मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना की जो शुरुआत हुई थी हमारे भारत में 1990 में हुई थी, लेकिन इसका पहला ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था 12 फरवरी 2001 को यह ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत हुआ या जारी हुआ था। तो मानव जी इससे पहले माना जाता था कि क्या माना जाता था कि मनुष्य की जो शरीर है वह कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक कोशिका में लगभग 100,000 क्या पाए जाते हैं, क्रियात्मक जीन पाए जाते हैं। लेकिन इस जब जीनोम के बारे में आधुनिक समय आया, जीन के बारे में लोगों ने अध्ययन करना चालू कर दिया, मेडिकल आगे बढ़ने लगा, तो लोगों फिर ये चीज क्लियर होती है कि मानव शरीर के जीवों के जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन पाए जाते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना का जो उद्देश्य क्या था, इस योजना का गठन का उद्देश्य क्या था, तो मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य था कि मानव जीनोम के द्वारा मानव के शरीर की हम उपस्थित जो गुणसूत्र हैं उसका हम विशुद्ध मैपिंग कर सकें मापन कर सकें। दूसरा, मानव जीनोम का हम डाटा बेस तैयार कर सकें, कौन से कि मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से गुणसूत्रों का सेट पाया जाता है, कौन सा लिंक जीन्स कहलाता है, कौन सा कुछ लक्षण को धारण किया हुआ है, इस बार डाटा हम तैयार कर लेंगे। पहला जोड़े का काम क्या है, दूसरे जोड़े का काम क्या है, जैसे हमने उस समय इसका अध्ययन किया हुआ था जब हमने डाउन सिंड्रोम पटाऊ सिंड्रोम इन सब चीजों के बारे में बात की हुई थी। आपने देखा था कि कौन से गुणसूत्र के सेट से कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है, कई बार अल्जीमर्स रोग, अलग अलग रोगों के बारे में हमने बात की हुई थी। तो मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य यही था कि शुद्ध विशुद्ध मैपिंग हो सके, उसका डाटा बेस तैयार हो सके और जीनोम में संबंधित सामाजिक तथा कानूनी पहलुओं पर विचार करना। और जब ये मानव जीनोम परियोजना का जब शुरुआत हो गया, लोग जीनों के बारे में जानने लगे, इनसे संबंधित जो अनुवांशिक रोग होने लगे उन रोगों को हम सुधार किस हद तक कर सकते हैं, इस मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। तो निश्चित रूप से जीनोम एवं मानव जीनोम परियोजना का यह मैंने सार आपको बताने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।